हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। अक्षय तृतीया को लेकर शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भाड़ रही। धनतेरस के बाद अब ज्वेलर्स की उम्मीदें अक्षय तृतीया पर टिकी थी। ज्वेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लुभावने ऑफर्स दे रहे हैं। जलगांव के रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स में जहां लोगों को सोने की खरीदी पर इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वहीं व्यापार अच्छा रहे इसके लिए ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में भी छूट दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अक्षय तृतीया पर सोने की मांग बढ़ने से रेट बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से ये लोग बुकिंग करा रहे थे और अक्षय तृतीया के दिन ज्वेलर्स से खरीद भी लिया। हालांकि पिछले साल अक्षय तृतीया की तुलना में रेट तो बढ़ा हुआ ही है। जलगांव के स्वर्ण तीर्थ रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। हालांकि ये भीड़ भाड़ दोपहर के बाद ही स्वर्ण खरीदी के लिए आती है, क्योंकि दिन में पूजा पाठ में ही समय लग जाता है, उसके बाद ही लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। जलगांव समेत पड़ोसी राज्यों तक रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स की जो ख्याति है, इस वजह से आसपास के राज्यों से भी खरीदार जलगांव के स्वर्ण तीर्थ पर पधारे थे। स्वर्ण तीर्थ के संचालक और शाकाहार प्रणेता रतनलाल जी बाफना एक धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने ग्राहकों और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अक्षय तृतीया का महत्व भी बताया। आज अक्षय तृतीया का दिन है, 3.5 मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन शादी करना, आज के दिन कोई शुभ कार्य करना, आज के दिन सोना खरीदना, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये अक्षय होता है, ऐसी लोगों की मनोभावना है, इसलिए लोग अधिकतर अक्षय तृतीया को खरीदी करते हैं। आज 31,500 का भाव है सोने का। भाव भी वैसे कोई बहुत बड़ा हुआ है ऐसा नहीं है, ठीक भाव है। लोगों को इस भाव में खरीदने का बहुत बड़ा चांस मिलता है और इसके बाद में कुछ भाव बढ़ने की आशा रहती है, उससे भी करते हैं। और आगे के किसी भी शुभ कार्य के लिए जब सोना खरीदना होता है तो आज ही खरीद कर रखते हैं। हमने आज के दिन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है, वैरायटी, स्टॉक और भावों में थोड़ी डिस्काउंट की बात, ये बहुत अच्छी तरह से ग्राहकों को आकर्षित करने वाली है। और हमारी जो दो चार विशेषताएँ विशेष है कि हम खरीदने वाले ग्राहक को उस सोने का इंश्योरेंस करके देते हैं। ये हमने भारत में पहली बार किसी ज्वेलर ने किया होगा तो आरसी बाफना ने किया है। इसका ग्राहकों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है और चोरी का डर नहीं रहता उनको। दूसरा ऐसा है कि हमने एक बहुत और सहूलत दी है उनको कि आज आपने सोने कभी बुकिंग किया और बुकिंग के एक महीने के बाद में भाव कम हो गया या ज़्यादा हो गया, जो भाव कम होगा तो ग्राहकों को वो चांस है कि उस कम भाव में हम उनको सोना दे देते हैं, चाहे भाव कितना ही बढ़ गया हुआ, लेकिन ये उनकी चॉइस पर है कि जिस दिन उन किया बुकिंग या जिस दिन ली डिलीवरी, दोनों में से जिस दिन उनका भाव कम होगा वही भाव में उनको सोना दिया जाता है। ऐसा चांस दूसरा कोई नहीं दे सकता है। हमने देने का प्रयत्न किया है कि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और ग्राहक हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और इन योजनाओं का ग्राहकों पर अच्छा असर पड़ा है और लोग इस बड़ी संख्या में सोना खरीदी करने आ रहे हैं। पंडित राम कुमार जी शास्त्री ने बताया कि 11 साल के बाद अक्षय तृतीया का ऐसा योग आया है, इस दिन 24 घंटे सर्व सिद्धि योग है, इस दिन आयुष्मान योग भी बना है। आयुष्मान योग में शादी करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी अक्षय तृतीया का अधिक महत्व होता है। इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। पुराणों में इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान या अन्य किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों की शादी के मुहूर्त नहीं निकल रहे हैं वो अक्षय तृतीया पर शादी कर सकते हैं। इस दिन बड़ी संख्या में शादियां भी हुई है। अक्षय तृतीया से शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि GST, नोटबंदी और जागतिक मंदी ने खरीदारों की कमर तोड़कर रख दी है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सोने की बिक्री और ग्राहकों में कुछ तो कमी आई ही है, जिससे बाजार में कई दुकानें खाली खाली दिखाई दी। खैर,
आप सभी को इंडिया आप तक परिवार की ओर से अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र राजपूत के साथ शुभांगी माहुरे की रिपोर्ट इंडिया आप तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।